हाय फ्रेंड्स, मेरे चैनल कुकिंग मुकिंग में आपका स्वागत है और मैं हूँ प्रियंका। आज मैं आपके सामने हक्का नूडल्स या बेज नूडल्स लेकर आई हूँ, जो कि आपको बहुत पसंद आएंगे और अगर इस तरह से बनाएंगे तो आपके बच्चों के साथ साथ आपको भी पसंद आएंगे, तो आप और बच्चे दोनों एक साथ एंजॉय कर सकते हैं इसको। इसके लिए मैंने कुछ वेजिटेबल्स काट के रखी है, तो चलो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर गाजर है, लंबे लंबे स्लाइड्स किए हैं, हरी मिर्ची को स्लाइस में काटा है, पत्ता गोभी है, कैबेज है, इसको भी लंबा लंबा काटा है मैंने। यहाँ पर लहसुन है 5 से 6 कली, अदरक है 1 इंच का, इसको भी बारीक कट कर लिया है, ये शिमला मिर्ची है, और यहाँ पर मैंने सैलरी ली है और इसको भी बारीक कट कर लिया है। अब यहाँ वेजिटेबल हो गई हैं, तो मैं एक कढ़ाई में गर्म पानी कर दिया है, पानी को अच्छा उबलने देते हैं। उबलने के बाद मैं इसमें तेल डाल देती हूँ, लगभग 1 चम्मच या आधा चम्मच के बराबर। पानी अच्छा उबलने लगा है तो यहाँ मैंने नूडल्स का जो पैकेट आता है फैमिली पैक, उसमें से एक पैकेट लेके इसमें डाल दिया है और इसको अच्छे से उबलने देते हैं, जब तक कि ये अच्छे से ना पक जाए और कटने ना लगे आसानी से। इसको पकने में लगभग 10 मिनट का टाइम लगता है, जिससे आराम से ईजिली अच्छे से पक जाते हैं। और ये देखिए, सब एक दूसरे से अलग अलग भी हो गए हैं और अच्छे से पक गया है। अब मैं इसको पानी निकाल लेती हूँ और लगभग 2 बार मैं ठंडे पानी से वॉश कर लेते हैं, जिससे ये एक दूसरे से चिपकेंगे नहीं और अलग अलग रहेगा नूडल्स। देखिए, ये पूरे नूडल्स अलग अलग हैं, एक दूसरे से चिपके नहीं हैं। अब मैंने एक पैन लिया और पैन में लगभग 1 चम्मच तेल डाल दिया है और इसको गर्म होने दिया। अब मैंने यहाँ पर लहसुन को, गार्लिक को जो बारीक काटे थे वो, और अदरक यानी जिंजर को चॉप करके रखा था, दोनों को सॉटे कर लेते हैं, अच्छे से सेंक लेते हैं। ये अच्छे से ब्राउनिश होने लगे तब हम इसमें गाजर और पत्ता गोभी डाल देंगे। गाजर पत्ता गोभी अच्छे से सॉटे कर लेते हैं लगभग 2 मिनट के लिए। हमारे 2 मिनट हो गए हैं और अच्छे से ये देखिए हल्का सा कलर चेंज हो गया है इनका। जैसे ही हल्का कलर चेंज हो जाए तो अब हम इसमें शिमला मिर्च और हरी मिर्च जो हमने बारीक चॉप करके रखी थी वो इसमें ऐड कर देते हैं। इनको भी अच्छे से सेंक लेते हैं लगभग 1-1.5 मिनट के लिए। अच्छे से मिक्स कर लीजिए, चलाते रहिए कि ये सब तरह से अच्छे से सिक जाए। ये भी सिक गए हैं। अब थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, लगभग 1 चम्मच नमक आप स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। अच्छे से यहाँ पर मैंने लगभग 5 मिनट के लिए सभी चीज़ों को अच्छे से सेंक लिया है, जब से मैंने अदरक डाला था, लहसुन डाला, फिर इसके बाद गाजर और कैबेज डाली, फिर शिमला मिर्च और हरी मिर्च डाली। यहाँ पर 5 से 7 मिनट के लिए सब सिक गए अच्छे से। हमें ओवर कुक नहीं करना है, फ्लेम को लो पर ही चलाना है। अब यहाँ पर मैं नूडल्स डालूँगी जो हमने बॉईल करके रखी हैं। देखिए, ये नूडल्स हैं जो हमने बॉईल करके रखी हैं, अभी भी एक एक थ्रेड अलग है इनका। इनको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अगर आप एक चम्मच, सिंगल चम्मच से नहीं कर पा रहे तो फॉक की हेल्प से इसको कर सकते हैं दोनों को मिक्स। यहाँ देखिए, मैंने फॉक की हेल्प से इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये इजी वे है नूडल्स को सेंकने के लिए, पकाने के लिए फॉक की हेल्प लेना। वेजिटेबल नूडल्स को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब यहाँ पर मैं 7 ml विनेगर को ऐड कर रही हूँ
और लगभग 7 से 8 ml ही मैं सोया सॉस को ऐड करूँगी। हम यहाँ पर सोया सॉस पहले ऐड इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि नूडल्स की जो सब्ज़ी वेजिटेबल यूज़ कर रहे हैं वो ख़राब ना हो जाए। यहाँ पर मैंने आधी चम्मच ग्रीन चिली सॉस और ये मैंने 1.5 से 2 चम्मच टोमेटो केचप एस यूज़ किया इसमें ऐड करके। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और अच्छे से सिकने देते हैं, क्योंकि अगर हम सोया सॉस पहले ऐड कर देते तो वेजिटेबल काली सी लगने लगती है, इसलिए सबसे लास्ट में ऐड करते हैं उसको नूडल्स ऐड करने के बाद। अब यहाँ पर सब अच्छे से मिक्स करने के बाद सैलरी ऐड करूँगी मैं। सैलरी बहुत जल्दी पक जाती है इसलिए सबसे लास्ट में ऐड करते हैं, और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और लगभग 1 से 2 मिनट के लिए हम इनको अच्छे से पकने देते हैं कि सब अच्छे से मिक्स हो जाए। फ्लेम हमें लो ही रखनी है, ज़्यादा हाई नहीं रखनी है। हमारी नूडल्स, हक्का नूडल्स, बेस्ड वेजिटेबल हक्का नूडल्स रेडी हो गई हैं। आप इनको गर्मा गर्म सर्व करें और एंजॉय करें अपने बच्चों के साथ। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर सब्सक्राइब नहीं किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लगातार बने रहें मेरे साथ।